नमस्कार बगायतर बंधु, खरड़ छांटनी की बात कर रहे हैं और खरड़ छांटनी जब बात करते हैं तो हम लोग हमेशा फ्रूटफुलनेस की बात करते हैं, क्योंकि हमारी जो सारी जो प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो बेसिकली फ्रूटफुलनेस के लिए होती हैं। अगर यहाँ पर अगर हमारे से कोई चूक हो जाए तो निश्चित फल छांटने के बाद हमें एक ढंग बेहतर माल नहीं मिलता है। सो होता क्या है कि हम खरड़ छांटनी करते हैं, खरड़ छांटनी करने के बाद फूड निकलता है, फूड के बाद पत्ते निकलने शुरू होते हैं, उसके बाद आप एक पांच सात उस पर आप पिंचिंग करते हैं, फिर सबकेन आता है, फिर डबल सबकेन करते हैं, उसके बाद काढ़े की परिपक्वता आती है, कुछ समय रेस्ट देते हैं, फिर आप फल छांटने अगला करते हैं। ये जो टोटल जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या क्या हमें करना चाहिए अंतर्द्रव्य पानी व्यवस्थापन, इसके बारे में अभी मैं चर्चा करूंगा। जो छाटनी करने जा रहे हैं, जिनके प्लॉट छाटने लिए, उनके कंडीशन इस समय ऐसे स्थिति होगी नॉर्मली, ताकि आपने हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट करने के बाद प्लॉट की जो कंडीशन है अगर आपने सही ढंग से मेंटेन किया है तो नॉर्मल ये ऐसा ही रहेगा, पत्ते तभी भी हरे रहते हैं। जैसा कि सब जानते हैं, नॉर्मली हम लोग 10 से 12 टन या कहीं कहीं तो लोग 14 से 15, कुछ लोग तो 18 टन तक माल लेते हैं एकड़ में। और अगर हम इतना माल लेते हैं तो निश्चित हमारा जो वाइन रिजर्व है वो कम होता है। और आप सब ये भी जानते हैं कि जब हम खरड़ छांटनी करते हैं तो जो अगला जो पत्ता आता है उसे कम से कम 3 हफ्ते लगते हैं। 3 हफ्ते बाद ही जो पत्ता डेवलप होता है वही जाके फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी का काम करता है। तब तक उस 3 हफ्ते में जो भी रिजर्व्स हैं आपके वाइन में, जो भी खाने की मात्रा जो है वाइन के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, वही ये सारा काम करने में, चाहे फ्रूट हो, चाहे आपके रूट की एक्टिविटी हो, चाहे आपका जो इनिशियल जो शुरू में डेवलपमेंट होता है, पत्ता निकलता है, उसका जो ग्रोथ होता है, उसमें ये सारा काम करता है। अगर यहाँ कुछ कमी हो जाए तो हमारा फूड भी आगे पीछे होता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि जब आप छांटनी करते हैं, छांटनी करने के सॉरी जब आप माल माल निकालते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, तो बहुत जरूरी होता है कि जो पत्ते अभी भी जो हरे हैं उनको वैसे रहने दें, खराब मत होने दें। इसका मतलब यह है कि आपको पानी देना बंद नहीं करना चाहिए। कम से कम आपको 5 से 6 हजार लीटर हफ्ते में इतना पानी एकड़ में देना चाहिए। जहां जहां तापमान 38 डिग्री के ऊपर चला गया, अगर हम सांगली की बात कर रहे हैं तो सांगली निश्चित 39-40 डिग्री के आसपास तापमान चल रहा है, कहीं पर उनके 41 भी चल रहे होंगे, तो 6.5 से 7 हजार लीटर हर 3 दिन में एक बार देने की आवश्यकता है प्रति एकड़। इसके साथ साथ में हर 15-20 दिन में एक बार हमें 10 से 15 किलो यूरिया देना चाहिए, 25 से 30 किलो सुपर फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप 10 से 15 किलो SOP आप प्रति एकड़ जरूर दीजिए। इससे क्या होगा, जो पत्ता जो बचा हुआ है अभी भी जो हरा है थोड़ा बहुत काम करेगा और आपके वाइन के रिजर्व को बढ़ाने में मदद करेगा। एक बार आप सोचते हैं कि हमने छांटनी करनी है, तो छांटनी करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको माटी और पानी का परीक्षण करना है। वो इसलिए जरूरी है कि इससे आपको मालूम चले कि माटी में क्या क्या परेशानी है, चुनखड़ कितना है, सोडियम के इश्यूज क्या है, क्लोराइड की टॉक्सिटी है क्या पानी में, सॉरी माटी में कि नहीं। उसके अलावा स्फुरद है, पोटैश है, मैग्नीशियम है, जिंक, आयरन, कितना ये अंदर पानी में माटी में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर ये ज्यादा मात्रा में माटी में ऑलरेडी है तो आपको आगे खरड़ छांटने के बाद से कम मात्रा में फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता है। सिमिलरली पानी की तपासनी क्यों करें, क्योंकि पानी की तपासनी करेंगे तब मालूम चलेगा कि पानी में क्षार कितना है, पानी में सोडियम क्लोराइड कितनी मात्रा में है, कार्बोनेट्स बायकार्बोनेट्स कितना है, क्योंकि एक बार पानी की गुणवत्ता आपको मालूम चलेगी तो उसके बेसिस पे कितना पानी हमें देना चाहिए उसकी आपको जानकारी मिलेगी। तो इसलिए आपको पानी और माटी इनकी तपासनी करनी चाहिए। और जब आप शेड्यूल बनाने की कोशिश करते हैं खरड़ छांटने के लिए, तो पिछले सीजन यानी पिछला जो फल सीजन है उसका डेट परीक्षण का रिपोर्ट भी आपको सामने रखना चाहिए। स्पेशली वहां पर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डेट के अंदर कितना सोडियम की मात्रा बढ़ रही है। पिछले 3-4 बार का अगर आप डेट परीक्षण रिपोर्ट देखेंगे तो आपको धीरे धीरे मालूम चलेगा कि स्लोली आपका सोडियम की मात्रा बढ़ रही है, तो इसकी जानकारी आपको मिलेगी। तो ये सारी चीजें अगर एक साथ लेके चलेंगे तो निश्चित आप सही ढंग से अंतर्द्रव्य पानी का व्यवस्थापन कर सकते हैं। इसके अलावा
जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो है आपका ड्रिप सिस्टम का रखरखाव। होता क्या है कि जब हम ड्रिपर नया खरीदते हैं, नया सिस्टम लगाते हैं, और अगर हमने ट्रिप पर 4 लीटर रखा है तो शुरू शुरू में हमें 3.8 to 4 liters का डिस्चार्ज मिलता है 1 घंटे में। उसके बेसिस पे हमने शुरू में डिसाइड कर लिया होता है कि भाई ये स्थिति है, इस समय हम आपको 1 घंटा पानी देंगे बाग को। बट कुछ सालों में अगर आपने सही ढंग से ड्रिप सिस्टम का रख रखाव नहीं किया है तो निश्चित जो डिस्चार्ज रेट जो होगा, क्योंकि ड्रिप सिस्टम क्या होता है आपके मोटर पर भी डिपेंड करता है, मोटर कैपेसिटी कैसे है, उसकी टाइम टाइम पे सर्विसिंग हो रही है कि नहीं। अगर आपने सही ढंग से उसका रखरखाव नहीं किया है तो डिस्चार्ज रेट कम हो जाएगा। तो शुरू में अगर आपको 1 घंटे में जहां 8,000 लीटर मिल रहा होगा एकर में फॉर एग्जांपल, तो वही घट के कभी कभी 6,000 to 6,500 liters हो जाता है 1 घंटे में। तो इसलिए छाटने से पहले अपने ड्रिप सिस्टम को भी चेक कर लीजिए, पंप वगैरह पंप सेट्स वगैरह भी चेक कर लीजिए, वो सबकी कंडीशन कैसी है, सिस्टम ड्रिप जो लेटरल्स होते हैं उसको अच्छे से फ्लश कर लीजिए, शार है तो उसको एसिड वॉशिंग कर लीजिए ताकि ड्रिपर का डिस्चार्ज रेट सही ढंग से हो जाए, फिर आप ड्रिपर का डिस्चार्ज रेट नापिए और उसके बाद फिर अपने पानी के व्यवस्थापन की तैयारी कीजिए। माटी की तपासनी की है और आप लोग भी जानते हैं कि चुनखट जमीन हमारे यहाँ काफी है, तो यानी प्री प्रूनिंग प्रैक्टिस में क्या करना है, आपको चुनखट का नियोजन करना है। चुनखट मतलब कैल्शियम कार्बेट, कैल्शियम कार्बेट क्या करेंगे आप, उसको आपको कैल्शियम कार्बेट न्यूट्रलाइज करना है और उसके साथ साथ जमीन का पीएच कम करना है। चुनखट जमीन में पीएच कितना होता है माटी का, तकरीबन 7.5 to 8.5 के आसपास होता है। आपको पीएच कितना लेके आना है, 6.5 to 7.2 तक लाना है। तो न्यूट्रलाइजेशन काम कौन करेगा, सल्फर। सल्फर सबसे सस्ता होता है, हालांकि मार्केट में बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं जैसे बन सल्फ है, फर्टिस है आपका, ये बन सल्फ सुपर भी है आपका, फिर आपका ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं आपके मार्केट में, टेक्नीजेड है आपका, अमोनियम थायो सल्फेट है, इवन मार्केट में पोटेशियम थायो सल्फेट आ रहे हैं, कैल्शियम थायो सल्फेट मार्केट में आ रहा है, ये बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप किसको भी यूज कर सकते हैं। बट मैंने सबसे सस्ता जो बोला है एलिमेंटल सल्फर की बात कर रहा हूँ। कितना सल्फर चाहिए आपको चुनखट जमीन मैनेज करने के लिए वो डिपेंड करता है कि जमीन में कितना चुनखट है। 3 to 5% है तो डेफिनेटली रूटस्टॉक उसको सहन कर सकता है, बट फिर भी चूंकि पीएच जो है माटी का 7.2 से ऊपर है, तकरीबन 7.3 or 7.4 के ऊपर होता है, तो उसका हमें पीएच रेगुलेट करना होता है, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि 25 kilos सल्फर एकड़ में दे दीजिए। 5 to 8% अगर चुनखट है तो 50 kilo के आसपास सल्फर सफिशियंट रहेगा। 8 to 10% है तो तकरीबन आपको 75 kilo के आसपास सल्फर देने की आवश्यकता है। 11 to 15% है तो आपको तकरीबन 100 kilo के आसपास सल्फर देने की आवश्यकता है, और 15% के ऊपर है तो 125 kilo के आसपास या उससे ज्यादा देने की आवश्यकता पड़ जाती है। जहां पर भी आपका 8% के ऊपर चुनखड़ है तो ये समझ लीजिए कि आपको दोनों सीजन में, यानी खरड़ छाटनी एज वेल एज फल छाटनी, दोनों टाइम में आपको सल्फर देने की आवश्यकता है, क्योंकि चुनखट का नियोजन अगर आप सही ढंग से नहीं करेंगे तो सही ढंग से आपका ये घर निर्मित भी नहीं होगा और आगे चल के फल छांटने में आपको सही मात्रा में सही ढंग से माल भी नहीं मिलेगा। अब सवाल आता है कि सल्फर कैसा देना चाहिए। कुछ कुछ किसानों केस मैंने ये देखा कि ये लोग सल्फर सीधा बोध के ऊपर ऐसे ही डाल देते, जैसे कि आप लोग अपना ये खत डालते, ड्रिपक नीचे सल्फर डाल दिया, थोड़ा सा गड्ढा कर दिया, सल्फर डाल के छोड़ दिया, ये गलत तरीका है। जो चुनखट है वो आपके पूरे बोध में फैला हुआ है, जो पूरा रूट जोन है वहां पर आपका चुनखट फैला हुआ है, इसका मतलब आपका जो टारगेट होना चाहिए पूरा रूट जोन होना चाहिए। तो सिंपल तरीका क्या है, आपका बोध है, बोध को हमेशा फोड़िए, बोध को फोड़ करके उसमें आप सल्फर के साथ साथ शेनखत मिलाइए, क्योंकि सल्फर को जो कन्वर्ट होना होता है सल्फ्यूरिक एसिड में तो उसके लिए सूक्ष्म जीवाणु चाहिए होते हैं, और सूक्ष्म जीवाणु यानी कि थायोबैसिलस या और भी कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स है वो काम करते हैं। उनका अगर पॉपुलेशन बढ़ाना है जमीन में तो जमीन में शेंद्र काप की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, और जमीन में अगर शेंद्र काप की मात्रा बढ़ाना है तो निश्चित आपको ये शेनखत अगर आपको देने या कंपोस्ट अगर देने की आवश्यकता है। उसके अलावा आप क्या कीजिए कि अगर आप लोग सिंगल सुपर फॉस्फेट इस्तेमाल करते हैं
तो ये सही टाइम है जब आपको 150 से 200 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट शेन खत के साथ साथ ही आप डाल दीजिए माटी में, और फिर माटी में उसको अच्छे से मिला लीजिए। क्यों करना है ऐसे? क्योंकि सिंगल सुपर फॉस्फेट जब वो सोल्बलाइज होता है, उसमें वाटर सोल्युबल फॉस्फरस जब रिलीज होता है तो वो कैल्शियम से रिएक्ट करके इमीडिएटली फिक्स हो जाता है। तो इस फिक्सेशन लॉस से बचने के लिए जरूरी है कि सिंगल सुपर फॉस्फेट को जब डालते हैं तो उसको शेन खत मिला दीजिए, ताकि जैसे जैसे आपका शेन खत डिजोल्व होगा या जैसे जैसे शेन खत आपका डिकम्पोज होगा तो साथ साथ में सिंगल सुपर फॉस्फेट भी रिलीज होगा और उसके साथ साथ वाटर सॉल्युबल फॉस्फेट भी रिलीज होगा, तो फिक्सेशन लॉसेज जो होता है फॉस्फोरस का वो कम रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर आपको नत्र इस्तेमाल करना है तो यहाँ यूरिया का इस्तेमाल मत कीजिए, यहाँ पर अमोनियम सल्फेट का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। यूरिया में क्या, यूरिया क्या होता है कि यूरिया आप ऐसे कंडीशन में डालते हैं जहां चुनखट जमीन है, तो उसमें आपका बाइकार्बोनेट आयन बनता है, बाइकार्बोनेट आयन से क्या होता है जमीन का पीएच बढ़ जाता है। सो क्या करना चाहिए आपको, अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल करना चाहिए। अमोनियम सल्फेट दो बहुत अच्छे काम करता है, एक तो उसमें नत्र है तो नत्र सप्लाई करता ही करता है, साथ साथ में वो जमीन का पीएच भी कम करता है। इस समय नत्र वाले जो फर्टिलाइजर है उसमें सबसे ज्यादा एसिडिफाइंग पोटेंशियल और सस्ता जो फर्टिलाइजर है वो है आपका अमोनियम सल्फेट, उसको इस्तेमाल कीजिए। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिए कि यूरिया में 46% नत्र होता है, अमोनियम सल्फेट में 21% नत्र होता है, यानी अगर आप यूरिया 50 किलो दे रहे हैं तो आपको अमोनियम सल्फेट कम से कम 110 से 115 किलो देने की आवश्यकता पड़ेगी, ये हमेशा ध्यान रखिए। तीसरी बात एक और आप ध्यान रखिए कि कोई भी फर्टिलाइजर आप चुनखट जमीन में इस्तेमाल करते हैं कभी भी बल्क में यानी एक साथ बहुत ज्यादा क्वांटिटी मत दीजिए, हो सके तो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कीजिए और उसे कम कम क्वांटिटी में दीजिए, यानी एक अगर ड्रिप इरिगेशन का अगर आप इरिगेशन सिस्टम चला रहे हैं तो एक बार में 7.5 किलो से लेके 10 किलो ही फर्टिलाइजर एक बार में दीजिए। ज्यादा क्वांटिटी में देंगे तो उसके लॉसेस हो जाते हैं। अमोनियम सल्फेट की अगर हम बात करें उसको अगर आप बल्क में देते हैं तो भी उसके लॉसेस होते हैं, क्योंकि उसका कन्वर्शन अमोनियम बाइकार्बोनेट में जाता है, उसका ब्रेकडाउन होगा और उसमें से फिर अमोनिया लॉसेस होंगे। देना आपको अमोनियम सल्फेट ही है, बेटर है, बेहतर है कि आप कम कम क्वांटिटी में दीजिए। उसके अलावा पोटेशियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जमीन में बहुत होता है बट कैल्शियम ज्यादा होने की वजह से उसके अपटेक में इश्यू बनता है, सेम केस आपका पोटैश पे भी होता है। आप पोटैश भरे दे रहे हैं लेकिन होता क्या है कैल्शियम उसकी अपटेक में थोड़ा सा दबाता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए आपको, फवारने का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी पोटेशियम और मैग्नीशियम की फवारने हर अवस्था यानी हर स्टेज में एक बार करना आवश्यक है, यानी कि खरड़ छाटने से लेके फल छाटने आने तक करीब 4 से 5 बार आपको मैग्नीशियम और पोटेशियम की फवारनी करनी है। जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट इनकी बात करें तो तकरीबन एक 15 से 20 किलो के आसपास देने की आवश्यकता है एकड़ में, और ये भी आप हमेशा फर्टिलाइजर यहाँ पर चुनखड़ में स्प्लिट में दीजिए, एक बार में कभी ज्यादा मात्रा में मत दीजिए। चुनखड़ जमीन में नॉर्मली हमें ये सब देखने को मिलता है जो आप देख रहे हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं फेरस की कमतरता यानी आयरन की कमतरता, और उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, कम से कम 2 फवारने हम लोग फेरस सल्फेट की करते हैं। दो फवारने हम फेरस सल्फेट की करते हैं और ड्रिप से हम एक 15 किलो के आसपास फेरस सल्फेट मतलब 7.5-7.5 किलो 2 बार हम छोड़ते हैं। इससे टेम्पररी क्या होता है, पत्ते फिर हरे हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको सही ढंग से इसका इलाज करना है तो आपको चुनखड़ का नियोजन करना अति आवश्यक है, उसका आप नियोजन करेंगे तो ये सब चीजों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरी जो परेशानी हमें दिखती है सांगली में बहुत जगह पे जहां पर पानी हमारा खराब होता है वो होता है सोडियम इश्यूज, सोडिसिटी, यानी जिसके यहाँ इरिगेशन वाटर आपने टेस्ट कराया है उसमें अगर 100 ppm के ऊपर सोडियम है तो निश्चित आपको सोडियम मैनेजमेंट चालू कर देना चाहिए। हमेशा ध्यान रखो अगर आप माटी की तपासनी करते हैं तो मेनी टाइम्स
आपके रिपोर्ट में लिखा आता है कि 1000 ppm के ऊपर, 1000 ppm, अगर जब तक 1000 ppm सोडियम नहीं है माटी में तब तक परेशान होना नहीं है, ऐसा नहीं है। हमेशा ध्यान रखो 500 ppm के ऊपर अगर जहां सोडियम के लेवल जाते हैं माटी में तो आपको उसका नियोजन करना आवश्यक है। इसलिए जरूरी है कि आप माटी के साथ साथ डेट परीक्षण करना शुरू करें और उसमें देखते रहें कैसे कैसे आपका डेट में सोडियम की मात्रा बढ़ती जा रही है। अगर डेट में आपका 0.5% के ऊपर सोडियम जाता है तो टॉक्सिटी के इश्यूज आते हैं। आप खुद ध्यान देंगे पत्ते जो हैं आपके मार्जिन से काले पड़ने लग जाते हैं, और जब ये सोडियम टॉक्सिटी आती है तो क्या होता है साथ साथ में पोटेशियम की कमतरता भी आती है। उसके साथ क्या होता है, दूसरे प्रॉब्लम्स क्या आते हैं उसके साथ साथ, अगर आप साइडिंग से उसका नियोजन नहीं करेंगे तो मैच्योरिटी यानी काढ़ी की परिपक्वता वो जल्दी होती है, और काढ़ी की अगर परिपक्वता जल्दी हुई तो निश्चित फल छांटने के बाद या तो छोटे बंच आएंगे या घोलीगढ़ आएंगे, या फिर अगर बंच अच्छे निकलते भी हैं तो बेरी के जो साइज है उसमें वेरिएशन आएगा। तो इसलिए मैं वो जो बोल रहा हूं आपको, बाती का और पानी का परीक्षण और साथ साथ में डेट परीक्षण करने में आपको सोडियम मैनेजमेंट में आपको आसानी होगी। अब मैनेज कैसे करना है सोडियम को, जमीन में अगर सोडियम की मात्रा बढ़ रही है तो हमें सोडियम की निकासी के लिए जमीन में हमें कैल्शियम बेस्ड अमेंडमेंट डालना चाहिए, यानी यहां इसकी बात कर रहे हैं जिप्सम। जिप्सम में क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, उसका जब ब्रेक डाउन होता है कैल्शियम रिलीज होता है, वो मिट्टी की कड़ में जो सोडियम होता है उसको निकालता है और ये सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट बनता है। आप ज्यादा पानी जब देते हो, फ्लडिंग करते हो जब रूट जोन में, तो वो उसमें घुल के रूट जोन के बाहर चला जाता है। यानी अगर खनिज छाटी में अगर आपको ये करना है तो तकरीबन आपको 150 kg के आसपास जिप्सम देने की आवश्यकता है एक में। अगर आप बात कर रहे हैं कि चुनखट जमीन है, सोडियम के प्रभाव का इश्यू है, तो चुनखट जमीन में ऑलरेडी कैल्शियम है तो उसके आपको जिप्सम देने की आवश्यकता नहीं। जिप्सम देंगे तो वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला, यहाँ पर आपका सल्फर ही काम करेगा, सल्फर का ही इस्तेमाल कीजिए, वही आपका कैल्शियम रिलीज करेगा और उसके आगे का प्रोसेस वही करेगा। उसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको नॉर्मली हम क्या खड़ छाटने में क्या करते हैं, पोटैश कब चालू करते हैं, 55-60 दिन के बाद से। लेकिन यहां पर क्या है, जहां सोडियम के इश्यूज है यहां पर आपको काढ़ीची वाड़ की अवस्था से ही पोटैश एप्लीकेशन चालू करना है। अगर 1500 से ये के ऊपर आपका सोडियम लेवल चला गया है माटी में तो तकरीबन आपको 40-50 kg SOP का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर 700-800 के आसपास आपका SOP ऑलरेडी सोडियम आ गया है माटी के अंदर तो आपको तकरीबन 25-30 kg के आसपास SOP इस्तेमाल करना शुरू करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पोटैश की फवारनी भी चालू करनी चाहिए, हर स्टेज में पोटैश की फवारनी चाहिए। मल्च का इस्तेमाल करेंगे तो उसका फायदा ये मिलेगा कि इवापोरेशन लॉसेस कम होंगे, वापसीकरण कम होगा माटी के उस पर ये बोध के ऊपर से, और इससे क्या होगा, नीचे के जो पानी है जिसमें कि सोडियम की मात्रा ज्यादा है जो रूट जोन के बाहर ऑलरेडी जा चुका है वो फिर दोबारा कैपिलरी एक्शन से ऊपर नहीं जाएगा। तीन काम करने हैं, जिप्सम का इस्तेमाल करना है सोडियम वाले इश्यूज में, और जहां पर चुनखट सोडियम दोनों है सल्फर यूज करो, SOP आपको काढ़ीची वाड़ की अवस्था में चालू करना पड़ेगा, मल्च का इस्तेमाल कीजिए और समय समय पर माटी पानी एवं डेट का परीक्षण करते रहिए। सांगले के एरिया में कुछ कुछ जगह पर जहां पर कि इरिगेशन वाटर में क्षार ज्यादा है वहां पर आपका क्षार का नियोजन करना है, और क्षार का नियोजन क्या करना होता है, बेसिकली आपको पानी ज्यादा देना होता है। जैसे ये बताया मैंने, रूट जोन में आप सीधा फ्लड कर दीजिए अच्छे से पानी, और उससे क्या होगा, जितना क्षार जो एक्युमुलेट हुआ होगा अब तक वो पानी में घुल के रूट जोन से बाहर निकल जाएगा। सो क्षार अगर ज्यादा है तो उसको एक ही तरीका है पानी से ही निकालने के लिए, कोई और तरीका नहीं। अगर आपके पानी में कार्बेट्स बाइकार्बेट ज्यादा है तो सबसे जरूरी है कि आपको पानी को एसिडिफाई करना है ताकि आप कार्बेट बाइकार्बेट को न्यूट्रलाइज कर सके। जब हम एसिडिफाई की बात कर रहे हैं तो इतना होना चाहिए कि जो ड्रिपर से जो पानी गिरता है उसका pH 6 के आसपास होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखो। अगर आप पानी को एसिडिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आपका एंडोजिंग पंप नहीं, आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, त्रास हो रही है, परेशान मत हो,
आप जैसे मैंने चुनकर के टाइम बताया वैसे ही आप सल्फर का इस्तेमाल कीजिए माटी में, रूट जोन में अच्छे से आप सल्फर मिला दीजिए, थोड़ा शेन खत डाल दीजिए और फिर आप पानी छोड़िए, वहां पर एसिडिक एसिड प्रोडक्शन होगा और वो भी यही काम करने वाला है जो आप एसिड को आप पानी में छोड़ते हैं तो काम करेगा। नॉर्मली हमें जमीन में कितना आपको पीएच चाहिए, 6.5 से लेके 7.2। 6.5 से 7.2 का अगर आप पीएच रखते हैं तो निश्चित सारे जो अंद्रव्य हैं उसकी उपलब्धता बढ़ जाती है। पर हमारे यहाँ जो जमीन है नॉर्मली क्या है, हमारे यहाँ जो जमीन है नॉर्मली अल्कलाइन है, पीएच नॉर्मली हमारा 7.5 के या उसके ऊपर जाता है। सो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें कम सड़े हुए खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम कम सड़े हुए खाद का इस्तेमाल करेंगे तो जब खाद वहां सड़ेगा तो सड़ने के साथ साथ जो एसिड प्रोडक्शन होगा वो माटी का जो पीएच है वो कम करेगा। सल्फर का इस्तेमाल कीजिए कीजिए सल्फर अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित आधा यूनिट तक माटी का पीएच कम हो सकता है। अगर 8 है तो आप 7.5 भी ले सकते हैं, अगर आप 60 से 70 किलो के आसपास सल्फर एक ही बार में इस्तेमाल कर रहे हैं एक यूनिट, अगर चुनखड़ आपका 5-6% है तब उसकी बात कर रहा हूं। जिनके पास डोजिंग पंप है वो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर सकते हैं, लेकिन ड्रिपर से जो पानी गिरता है उसका पीएच 6 के आसपास मेंटेन कीजिए। कितना पानी हमें देना चाहिए, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारा। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं कि हमें कितना पानी देना चाहिए तो किसान हमेशा घंटों की बात करता है, पर उस घंटे में कितना पानी जाता है आपकी जमीन में उसकी जानकारी होनी आवश्यक है। तो इसीलिए बहुत जरूरी, अगर आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अच्छे से मेंटेन करते हैं तो आपको जानकारी होगी कि आपको कितना घंटा पानी देना चाहिए। असल में हमारी आवश्यकता कितनी है, अगर सांगली की बात करें तो नॉर्मली हमारी आवश्यकता है तकरीबन 1 से 15 अप्रैल की बात करें 13,000 लीटर की पानी की आवश्यकता है इस समय एक दिन, क्योंकि 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर चल रहा है आपका। 16 से 30 अप्रैल की बात करें तो 13,500 के ऊपर पानी की आवश्यकता है हमारी काड़ीची वाड़ की अवस्था में। पहला फोर्टनाइट की बात करें मई का तो आपको तकरीबन 15,000 लीटर के आसपास चाहिए होता है पानी, क्योंकि तापमान और बढ़ जाता है, आर्द्रता बहुत कम हो जाती है, कहीं कहीं तो इवन 10 के नीचे आ जाती है आर्द्रता। 15 मई के ऊपर हम जाएंगे तो फिर धीरे धीरे पानी की आवश्यकता कम होनी शुरू होती है। कितने पानी आता है, 14,000 लीटर के आसपास पानी की आवश्यकता होती है। और जहां हम जून के महीने में पहुंच जाते हैं और ढगाल वातावरण चालू होता है तो वहां पर हमारी आवश्यकता पानी की और कम हो जाती है, तकरीबन 8,000 लीटर चाहिए होता है एक ही में। हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि जिनके पास मीडियम से हैवी सॉयल है, मीडियम टू हैवी मतलब आपका भारी जमीन है आपके पास जिसमें कि क्ले की मात्रा ज्यादा है, तो वहां पर पानी पकड़ के रखने की क्षमता ज्यादा होती है। अगर पानी पकड़ के रखने की क्षमता ज्यादा है तो वापसा पे ध्यान दीजिए। अगर माटी वापसा कंडीशन में है तो आप जबरदस्ती पानी मत दीजिए। गर्मी का मौसम है, शुरू का जो होता है 2-3, 2-2.5 सेंटीमीटर आपको हल्का सूखा दिखेगा, भारी जमीन में हल्का सा क्रैक दिखेगा, मिट्टी हल्का सा खोल के खोलिए, अगर नीचे पानी जस का तस दिख रहा है, ज्यादा पानी दिख रहा है, बिल्कुल पानी मत दीजिए। अगर आप ज्यादा पानी देते हैं तो क्या होता है, माटी में जितने माइक्रोपोर और मैक्रोपोर हैं जिससे आपके जो मूली है रूट्स हैं उनको ऑक्सीजन वगैरह मिलता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का संचय वो होता है, वो पूरे ब्लॉक हो जाएंगे, पूरे भर जाएंगे पानी से। अगर पानी से पूरे भर गए तो रूट्स की जो श्वास की प्रक्रिया है उस पर असर पड़ेगा, वो एक बात है। सो जो क्वालिटी ग्रोथ है वो नहीं होगी, नंबर एक। दूसरी बार अगर आपने सैचुरेट कर रखा है जमीन को माटी को तो वाड़ आपके बहुत तेज चलेगा। वाड़ बहुत तेज चलने का मतलब क्या है, नॉर्मली हमें कितना चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है 3 दिन में 1 पत्ता बनना चाहिए। जब वाड़ तेज चलता है तो आपका कितना बनता है, हर डेली 1 पत्ता बनता है या 2 दिन में 1 पत्ता बनता है। इंटरडोज नोडल डिस्टेंस जो नॉर्मली 4, 4.5 या 5 से कम होना चाहिए, सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, वो आपका 5 के ऊपर जाता है।
इससे क्या होता है, विगर बढ़ गया, उसके बाद आपको जल्दी जल्दी उस पर काम करना पड़ता है, लेबर लगाने पड़ते हैं, वार्ड रोकना पड़ता है, एक परेशानी हो जाती है। इसलिए जितना जरूरी होता है उतना पानी दीजिए, और अगर जब आपको थोड़ा भी लगता है कि वार्ड बढ़ रहा है, इमीडिएटली पहले नत्र बंद कीजिए, उससे वार्ड कम नहीं हो रहा है तो पहला काम है पानी कम कीजिए, कम मतलब आधा कर दीजिए सीधा, एक घंटा अगर पानी दे रहे हैं उसको आप सीधा आधा घंटा दीजिए, उससे वार्ड कम नहीं हो रहा है पानी बंद कर दीजिए, वार्ड जहां कंट्रोल में आता है पानी देना धीरे धीरे देना शुरू कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी स्थिति आपकी घर निर्मिति, घर निर्मिति में आपको पानी कम करना है, मतलब विगर बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, जितना फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो खाद्य पदार्थ मिला है वो आपका घर बनाने में जाए। सो घर निर्मिति की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी हमें पानी की कम आवश्यकता है। और एक और प्रॉब्लम क्या होता है, यानी आप यहां देखेंगे मई में कितना मैंने 5,000 लीटर लिखा है पानी घर निर्मिति के लिए, यानी 15 मई के बाद आपको हार्डली 5,000 लीटर चाहिए होगा तो पानी, और अगर काड़ीची वार्ड की अवस्था होती तो वही 14,000 लीटर चाहिए होता, इतना डिफरेंस होता है। फिर भी आप अपने स्पॉट पे खुद जज कर सकते हैं कैसे है क्या है, कुछ ज्यादा कमी तो नहीं हो रही पानी, उसके बेसिस थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो। स्ट्रेस देना हमें आवश्यक है घर निर्मिति के समय, यानी 40 दिन के बाद की बात कर रहा हूं, 40 दिन तब जब आपका 15 से 18 दिन के उसमें आपका फूट आ रहा हो, तो अगर ये फूट आपका हफ्ते 10 दिन आगे जाता है, यानी 15 17 दिन के बजाय आपका 22 या 25 दिन में आ रहा है, तो घर निर्मिति का जो टाइम है वो भी आपका एक हफ्ता आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी 47 से 50 दिन के बीच में यहां से आपको स्ट्रेस चालू करना पड़ेगा। फिर क्या करना है आपको, नॉर्मली क्या करना पड़ेगा आपको, जहां पर भी भारी जमीन है, भारी जमीन में क्या करना है, स्ट्रेस आपको थोड़ा पहले चालू करना पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि भारी जमीन पानी पकड़ती है, अगर भारी जमीन पानी पकड़ती है तो स्ट्रेस में टाइम लगता है, अगर आपको 40 दिन में घर निर्मिति के लिए स्ट्रेस डालना है तो भारी जमीन में यही 4-5 दिन पहले चालू करना पड़ेगा, उसको ध्यान रखिए, उसके अकॉर्डिंगली आप चालू कीजिए। और काड़ी की परिपक्वता में पानी कम लगता है, ये ऐसा जून उनका महीना ऐसा महीना है जून जुलाई अगस्त में जहां पर ढगाल वातावरण होता है, आर्द्रता बढ़ जाती है, बारिश होती है, पानी की आवश्यकता कम हो जाती है, जरूरत हो तो पानी दीजिए अदरवाइज मत दीजिए। अभी सांगली में कुछ एरिया है, जत है, कवटे महाकाल है, वो और ड्राई एरिया है, वो एरिया तकरीबन शोलापुर या कर्नाटक बीजापुर के आसपास का एरिया बनता है, वहां पर पानी की आवश्यकता और बढ़ जाती है, छाटने भी थोड़ी सी लेट होती है, और जहां पर मैं 13,500 लीटर की बात करते हैं यहाँ पर 14,000 लीटर पानी चाहिए होता है। सो इस एरिया में आपको करीब 1,000-1,500 लीटर और पानी देने की आवश्यकता पड़ जाती है हर कंडीशन में, इसको हमेशा ध्यान दीजिए, उसके अकॉर्डिंगली आप काम कीजिए। जिनके पास क्रिम्सन या फैंटेसी है ये जान ले कि काड़ीची वार्ड की अवस्था में थॉमसन या काली जाति की अपेक्षा 20% पानी कम चाहिए होता, विग्रस वैरायटी है, 20% पानी कम दीजिए, उससे अभी आपका अच्छा काम चलेगा, फ्रूटफुलनेस में भी आपको आगे चल के अच्छी मदद मिलेगी। जहां पर आपको लगता है पानी वाकई कम है आप सब सरफेस इरिगेशन कर सकते हैं, सब सरफेस इरिगेशन में आप 25% कम पानी से भी अपना काम चला सकते हैं। कहां हम 13,000 लीटर की बात करते, 13,500 लीटर की बात करते सांगली में, कहां ये 10,000 लीटर में हमारा काम चल रहा है। तो सब सरफेस इरिगेशन आप सीधा 9 इंच पर डालेंगे तो आपको कम पानी में भी आपका काम चल जाएगा। अब सवाल आता है हमें कितना पानी, मतलब कब कब पानी देना चाहिए। कुछ लोग ये प्रैक्टिस करते हैं कि हम एक बार में 6 दिन में एक बार पानी देंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि हम एक बार में 10 दिन में देंगे, आपके ऊपर है कितना दीजिए, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए मिट्टी की गहराई कितनी है, मिट्टी में पानी पकड़ के रखने की क्षमता कितनी है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा अगर आप पानी देते हैं तो पानी रूट जोन से बाहर निकल जाएगा, और एक बार पानी रूट जोन के बाहर निकल गया तो पानी वेस्ट हो गया। सो हमेशा ये माटी पे देखिए, माटी कैसी है, कितनी गहराई है, उसके अकॉर्डिंगली काम कीजिए। दूसरी बात, तापमान पे ध्यान दीजिए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो ऐसे कंडीशन में फ्रीक्वेंसी हमेशा कितनी रहनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, इनफैक्ट थोड़ी सी ज्यादा रहनी चाहिए, यानी कि हम मैक्सिमम 3 दिन में, भारी जमीन में मैक्सिमम 3 दिन में एक बार आप पानी जरूर दीजिए,
क्योंकि वैसे भी कितनी आवश्यकता होती है, एक 40, हम एक बात कर रहे हैं 50,000 लीटर की बात कर रहे हैं, अगर हम 3 दिन पानी दे रहे हैं, वो काफी क्वांटिटी होता है पानी का, और भारी जमीन होती है तो पानी उसमें उसके ऊपर ठहरता है, समय लेता है, एक तरह से पडलिंग टाइप की होती है ऊपर, अगर ज्यादा समय तक आप पानी इस जगह पर टप टप करता रहेगा तो पानी जल्दी नीचे जाता भी नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। हल्की जमीन होती है तो एक बार में ज्यादा मत पानी दीजिए, कम कम टाइम में पानी दीजिए, 30 से 45 मिनट का एक बार आपका इरिगेशन दीजिए, 30 to 45 मिनट्स का एक बार इरिगेशन साइकिल रखिए, फिर उसके बाद आप दूसरे में जाइए, दूसरे प्लॉट में जाइए, वहां पर पानी देके फिर पहले प्लॉट में आ जाइए। इससे क्या होगा, पानी का अच्छा फैलाव होगा, यानी रूट जोन में पानी अच्छे से फैलेगा। अगर रूट जोन में अच्छे पानी फैलता है तो मूली को भी अच्छा डेवलपमेंट का मौका मिलता है। हमेशा मैक्सिमाइज करो ग्रीन वाटर। ग्रीन वाटर की बात करने का मतलब क्या है, मल्चिंग का इस्तेमाल करो। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, जमीन में सेंद्रिय का बढ़ाओ, क्योंकि जमीन में अगर सेंद्रिय का बढ़ाएंगे तो पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ाता है। ये आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है, इनफैक्ट गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस या गैप में ये एक इंपॉर्टेंट ये रिकमेंडेशन होने जा रहा है, क्योंकि सब लोग जानते हैं पानी कमी होती जा रही है, कभी पानी बहुत कम होता है, कभी पानी बहुत ज्यादा होता है, कभी बारिश आती नहीं, कभी बारिश बहुत ज्यादा आती है। तो पानी, जब बारिश बहुत ज्यादा आती है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, जब बारिश कम होती है तो कम पानी में गुजारा करना है, तो ये सारी चीजें काम आती है, इफेक्टिव होती है, इसका हमेशा इस्तेमाल कीजिए और फायदा मिलेगा आपको हमेशा। अगर हमारे पास पानी कम है छाटने से पहले तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बोध में पूरा चारी बनाना चाहिए। एक बार बोध में पूरा चारी बना दिया उसके बाद उस बोध में खूब पानी छोड़ देना चाहिए और उस पानी को फिर नीचे नीचे जाने दीजिए, ताकि नीचे जितना डेप्थ है माटी की, जितनी गहराई है, पानी को नीचे फैलने दीजिए। वो क्या करेगा, पानी जब नीचे फैलेगा, नीचे जब जाएगा तो साथ साथ में जो रूट जोन में क्षार है अब तक जो जमा हुआ है उसको भी अपने साथ लेके जाएगा, और उसके बाद उसको मल्च कर दीजिए, मल्चिंग कर दीजिए उसके बाद। इससे क्या हो जा होगा, वापसी जो करण है मतलब इवेपोरेशन लॉसेस वो कम हो जाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे आपके पास पानी है कम है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा पानी देते जाइए, नमी हमेशा मेंटेन रहेगी, क्षार नीचे से ऊपर नहीं आएगा, और जब तक धीरे धीरे करके क्षार की मात्रा बढ़ती जाती है तब तक जो पत्ता फूट करके जो पत्ता निकला है उसका साइज बढ़ जाता है और उसका क्षार का जो इम्पैक्ट जो होता है उसके ऊपर कम होता है। उसके अलावा क्या होगा, ये जो मल्च कर देंगे, मल्च क्या करेगा, जो वीड्स हैं उसको भी ऊपर पनपने नहीं देगा, और अगर वीड नहीं आएगा तो कंपटीशन भी नहीं होगा पानी के लिए। पानी कम है, अंदर भी देना है, ड्रिप के थ्रू ही दीजिए, बेसल एप्लीकेशन मत कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, क्षार जमीन में बढ़ेगा। सो ड्रिप जब देंगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप अंदर भी देते रहिए, थोड़ा फवारने का भी सहारा लीजिए साथ साथ में। अब आता है अंद्रव्य मैनेजमेंट की बात करें। अंद्रव्य यानी कि हमें कितना 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 हमें पानी देने की आवश्यकता, सॉरी कितना कितना खत देना है, कौन सी स्टेज पे। नॉर्मल क्या होता है, ग्रोअर्स क्या करते हैं कि ड्रिप के थ्रू 2-3 फर्टिलाइजर एक साथ देने की कोशिश करते हैं। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि एक फर्टिलाइजर कंपेटिबिलिटी चार्ट होता है, उसको हमेशा सामने रखिए, उसके बेसिस पे जो कंपैटिबल है फर्टिलाइजर्स, जो एक साथ जा सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, उनको ही ड्रिप में एक साथ छोड़िए, बाकी सबको मत छोड़िए। गर्म वातावरण है, तापमान बहुत ज्यादा है, ज्यादा मात्रा में नत्र बेस्ड फर्टिलाइजर, चाहे वो यूरिया हो चाहे अमोनियम सल्फेट हो, वो एक साथ मत डालिए, क्योंकि उससे अमोनिया लॉसेस होते हैं, नाइट्रोजन के लॉस होते हैं बहुत ज्यादा, और फर्टिगेशन में जो खत है हमेशा लास्ट के आधा ये 30 मिनट से 40 मिनट के रन टाइम में आपको छोड़ना चाहिए। ये भी ध्यान रखिए आप कि आपके अगर पानी में इरिगेशन वाटर है उसमें अगर कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा है तो जो खत में जिसमें कि वाटर सॉल्युबल स्फुरद है या फॉस्फोरिक एसिड छोड़ रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम आने के ये इश्यूज हो सकते हैं। अगर आप पानी को आप सही ढंग से मैनेज नहीं कर सकते, जिस पानी में कैल्शियम ज्यादा है, मैनेज क्या करना है,
उस पानी का पीएच आपको 5.5 के नीचे लेके आना है, तभी उसमें आप वाटर सॉल्युबल स्फुरद वेस्ट फर्टिलाइजर या फॉस्फोरिक एसिड उसके थ्रू छोड़ सकते हो। पीएच लाना है हमको 5.5 के नीचे, नहीं तो आप सिर्फ सिंगल सुपर फॉस्फेट का सहारा लीजिए, उसी को छोड़िए, उसी को आप जमीन में मिलाइए शेनकल्प के साथ। फवारनी हर कोई करता है, लेकिन ये फवारनी आपको ध्यान रखना चाहिए कब कब इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको कमतरता दिख रही है तब कीजिए। चुनखर जमीन में पोटेशियम मैग्नीशियम फुल इस्तेमाल कीजिए। आपको 3 से 5 पाना अवस्था है, ये लीफ स्टेज है, उस टाइम पे माइक्रोटेंट के लिए एक एक फवारनी दे दीजिए आप, लेकिन बहुत ज्यादा फवारनी पे आप रिलाई मत कीजिए। फर्टिकेशन का सहारा लीजिए, थोड़ा बेसल एप्लीकेशन सहारा लीजिए, साथ साथ में शेन कर दीजिए, उससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। फवारनी का जो सॉल्यूशन है उसको थोड़ा सा हमेशा एसिडिक रखिए, यानी 6 से 7 के बीच में रखिए उसको। फेरस सल्फेट की अगर हम बात करेंगे, आयरन कमतरता है, तो उसमें क्या करना है, फवारनी का जो सॉल्यूशन का जो पीएच है वो तकरीबन 5.5 के आसपास लाइए। अगर वो 5.5 के आसपास ले आते हैं, उसके बाद उसमें फेरस सल्फेट डाल के उसकी फवारनी कीजिए। फवारनी या तो सुबह करना है या तो शाम को, क्योंकि वही समय है जब आर्द्रता सबसे ज्यादा होती है। अगर आप दिन के समय करेंगे तो आर्द्रता बहुत कम होगी, फवारने का बिल्कुल फायदा नहीं मिलेगा। कारण यह है कि जैसे आप सिंपल एग्जांपल लीजिए कि हम पोटैश की फवारनी बहुत करते हैं, पोटैश का जो पीओडी है पॉइंट ऑफ डेलिकेंस वो 90% है। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जब आप फवारनी करेंगे पोटैश की तो आर्द्रता 90% के ऊपर होनी चाहिए, यानी 95% के आसपास आर्द्रता चाहिए। और 95% की आर्द्रता कब मिलेगी आपको, या तो सुबह मिलेगी या लेट इवनिंग मिलेगी, बीच में नहीं मिलने वाली। और अगर आपका 55-60 दिन में जब पूरी कैनोपी डेवलप होती है तभी आप 5 ग्राम का स्प्रे सॉल्यूशन बना सकते हैं। स्पेशली आप पोटैश की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से फिर भी आपका 2 ग्राम के ऊपर जा नहीं सकते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। और जब भी आप स्प्रे कंसेंट्रेशन के लिए 0.5% कैलकुलेशन करेंगे, पानी में ऑलरेडी कितना टीडीएस है, सॉल्ट कितना है, उसको भी कैलकुलेशन में लाना पड़ेगा। अगर 1 ग्राम के आसपास सॉल्ट है तो आप सिर्फ 4 ग्राम ही आप पोटैश उसमें डाल सकते हैं। और स्प्रेइंग जब भी करते हैं, स्प्रे का जो कंसंट्रेशन होता है वो कैनोपी भी ध्यान रखिए। काड़ीची वाड़ की अवस्था में अगर आपको पोटैश की फवारनी करनी है तो 2 से 2.5 ग्राम, उससे ज्यादा आप सॉल्यूशन मत बनाइए। आप छाटनी शुरू करने वाले हैं, प्री प्रूनिंग प्रैक्टिस में आपको डॉबली क्या करना है, पूरा बोध फोड़ देना है। अगर आपका चुनखट का जमीन है उसमें सल्फर का इस्तेमाल कीजिए, सोडियम के इश्यूज हैं आप जिप्सम का यूज कीजिए, चुनखट भी है सोडियम भी है आप सल्फर का ही इस्तेमाल कीजिए, साथ साथ में शेनखट डालिए, मिट्टी मिलाइए, फिर बोध तैयार कर दीजिए। काड़ीची वाड़ की अवस्था में हमें क्या चाहिए, नत्र चाहिए। नत्र यानी क्या, तो यूरिया, नॉर्मल जमीन है तो 60 से 65 किलो यूरिया, या फिर आप चुनखट जमीन है सोडियम के इश्यूज हैं तो आप अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल कीजिए, 100 से 125 किलो चाहिए होगा। पर जब भी आप नत्र आप डालते हैं तो साथ साथ में वाड़ का भी ध्यान दीजिए, वाड़ तेज तो नहीं चल रहा है, अकॉर्डिंगली आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में आप नत्र वाला इस्तेमाल कीजिए, यानी यूरिया दीजिए तो 7-7.5 किलो मैक्सिमम एक बार में दीजिए, अमोनियम सल्फेट भी आप 10 किलो के ऊपर मत दीजिए। और ग्रोथ भी देखिए, ग्रोथ अगर सही चल रहा है तो फिर दोबारा आपको देने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ जहां आपका ये फूड के बाद पत्ते निकलते 3 से 5 पाना अवस्था या 6 पाना अवस्था हो जाती है, 7 पाना अवस्था होती है, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट का इस्तेमाल कीजिए। 1 से 2 किलो के आसपास बोरिक एसिड आप दीजिए और साथ साथ में मैग्नीशियम जिंक और फेरस सल्फेट की फवारनी भी कीजिए। उसके अलावा चुनखट जमीन है, सोडियम पे त्रास है, वहां पर आप ये एसओपी का भी आप फवारनी जरूर कीजिए। वाड़ अगर आपका बहुत तेज चल रहा है तो नत्र देना एकदम बंद कर दीजिए, अगर उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो पानी कम कीजिए, अगर और कंट्रोल नहीं हो रहा तो पानी बंद कर दीजिए। एक बार जब कंट्रोल में आता है तो धीरे धीरे पानी देना शुरू कर दीजिए। जहां एक 25-30 दिन होता है, कभी कभी हमें कर्लिंग की संभावना बहुत ज्यादा दिखती है, और कर्लिंग और कब दिख सकता है, जबकि वाड़ ग्रोथ भी बहुत तेज बात रहता है। तो अगर वाड़ नियंत्रण में है फिर भी आपको कर्लिंग दिखाई दे रही है तो देखिए आप पत्ते के मार्जिन में कहीं पीलापन दिख रहा है तो इसका मतलब पोटेशियम कमतरता है। आप पोटेशियम के फवारनी कीजिए और ड्रिप से भी आप पोटैश आप एक 15 से 20 किलो के आसपास स्प्रे कर ड्रिप से छोड़ दीजिए।
सेम चीज मैंने बताया था पहले भी आपको, जंबो है, काली वैरायटी है, अगेन मार्जिन से पत्ता हल्का सा लालिमा दिखता है, लाल सा दिखना शुरू होता है, वहां पर भी आपको डैश फवारनी कीजिए और उसके बाद ड्रिप से आप फिर अकॉर्डिंगली आप एसओपी है छोड़ दीजिए। घर निर्मित के समय यहाँ पर आपको स्फुरज चाहिए होता है, स्फुरज से ज्यादा आपको मैग्नीशियम भी चाहिए होता है, यहाँ पर तकरीबन आपको एक 40 किलो के आसपास आपको उस पर ये स्फुरज देने की आवश्यकता है। अगर पुराने वाइनयार्ड है, नया वाइनयार्ड है, यहाँ पर की स्फुरज का लेवल आपका 20 ppm के नीचे है, तब यहाँ पर तकरीबन आपको डबल क्वांटिटी यानी 80 kg के आसपास स्फुरज, 40 किलो का मतलब है पुराने वाइनयार्ड में 250 किलो के आसपास सिंगल सुपर फॉस्फेट, अगर 70% आपका ये P2O5 है तो 57 किलो के आसपास फॉस्फोरिक एसिड देने की आवश्यकता पड़ती है। अगर नया वाइनयार्ड है जहाँ पर की स्फुरज 20 ppm के नीचे है, तकरीबन आपको 400 से 500 किलो के आसपास सिंगल सुपर फॉस्फेट देने की आवश्यकता है और 100 किलो के आसपास आपको फॉस्फोरिक एसिड देने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आप मैग्नीशियम सल्फेट भी आप एक 15 से 20 किलो आप जरूर दीजिए। घर निर्मित का समय है तकरीबन एक 45 दिन पे आपको डेट परीक्षण कराना चाहिए। डेट परीक्षण का आपको सैंपल निकालना होता है और डेट परीक्षण का डेट्स का सिलेक्शन कौन सा होता है, नीचे से पांचवा पत्ता यानी बेस यानी जो कॉर्डन से शूट निकलता है तो वहां से नीचे से आप पत्ता काउंट कीजिए, जो आपने पुराना निकाल रखा है उसको भी आप काउंट कीजिए पत्ते को। सो पांचवा पत्ता लीजिए, उसको आप डेट परीक्षण दीजिए और उसका जो स्टैंडर्ड जो है बेसिकली वो आपका सामने दिया हुआ है। हमेशा ध्यान रखो कि पोटैश का लेवल हमें 1.5% के ऊपर मेंटेन करना है, क्योंकि अगर 1.5% के ऊपर मेंटेन नहीं करेंगे तो लीफ करने की संभावना बढ़ जाएगी और लीफ करने की संभावना बढ़ेगी तो आपको रोग और कीट का मैनेजमेंट करने में परेशानी होगी। काड़ीची वाड़ की अवस्था है, काड़ीची वाड़ की अवस्था की हम बात करें तो यहाँ पर आपको पोटैश मैग्नीशियम दोनों की आवश्यकता है। ये स्टेज ऐसा है जो आपका बारिश की पीरियड के समय में कॉन्साइड करता है। तो बारिश के इसमें क्या होता है कि अगर हमारी जो आवश्यकता है पोटैश की जो हम देना चाहते हैं, लोग बारिश होने लगती है पत्ते सब हरे दिखते हैं तो लोग पोटैश देना कम कर देते हैं, ये बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जहां लेट सीजन पोटेशियम डेफिशिएंसी आई वहां पर बहुत सारे इश्यूज आ जाएंगे। आपको 80 से 100 किलो के आसपास एसओपी देने की जरूरत है एकड़ में। इसके साथ साथ आपको मैग्नीशियम सल्फेट भी देने की आवश्यकता है तकरीबन 15 से 20 किलो और साथ साथ में सीजन में आप फवारनी भी जरूर कीजिए। जब जब बीच में जो बारिश रुकती है एक फवारनी पोटैश की जरूर दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि पत्ते में से पोटैश अगर बारिश ज्यादा है तो पत्ते में से पोटैश वैसे ही निकल जाता है और पोटैश अगर आपको जैसे मैंने बताया पोटैश अगर कम हो गया तो निश्चित जो रोग है उसके नियंत्रण में मुश्किल हो जाएगा। अगर आप पोटैश कम करते हो जैसा मैं दिखाया 40% के आसपास आपका फूड फुलनेस मार खाएगा, पोटैश छोड़िए मत। पोटैश अगर आप कम करते हैं तो निश्चित सोडियम के अपटेक बढ़ जाते हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है, लीफ ब्लैकनिंग ज्यादा हो जाता है, ज्यादा रोग के लक्षण दिखाई देते हैं और बंच का जो साइज है फल छाटने के बाद जो बंच निकलते हैं वो छोटे साइज का होता है, वाटर बेरी ज्यादा बनता है, इवन डिफ्रेंसिएशन में भी असर पड़ता है, डिफरेंस अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन पोटैश की कमी मत कीजिए, इनफैक्ट बीच बीच में आपको जब भी मौका मिलता है पोटैश की फवारनी करते रहिए, तभी आप सही ढंग से आप मैनेजमेंट कर पाएंगे पोटैश का और काढ़े की परिपक्वता अच्छी मिलेगी। ये मैं बताया था पोटैश की कमी होती तो अगले सीजन में ये सारा दिखता है इश्यूज। जो बेरी साइज वेरिएशन होता है लोग या तो जीए का शुरू करते हैं देना या डिप करना या बहुत सारे और पोटैश मारना शुरू करते हैं, लेकिन इस समय पोटैश देने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। खरड़ छांटी में अगर आपने सही ढंग से पोटैश का यूज नहीं किया तो फल छांटने में प्रॉब्लम आने लाजमी है, इसको आप ध्यान रखिए। बारिश के पीरियड में आपको शाइनी स्पॉट्स भी दिख सकते हैं और बारिश का टाइम होता है सैचुरेशन होता है, इवन आयरन का जो अपटेक है फेरस का अपटेक भी कम होता है, तो ऐसे में आपको फेरस की कमतरता भी दिखेगी आपको। तो पहले फेरस सल्फेट की फवारनी कीजिए बाद में पोटैश की फवारनी कीजिए। पोटैश की कमी है तो आपके सकिंग पेस्ट के इंसिडेंस बढ़ सकते हैं, इससे वेन रेडनिंग की संभावना बढ़ जाती है, हॉपर्स के भी इंसिडेंस बढ़ सकते हैं, तो पोटैश कम मत कीजिए। बारिश का पीरियड आता है जब आपका खरड़ छांटी में काढ़े की परिपक्वता के टाइम में, इस समय आप ग्रीन मैन्योरिंग प्रैक्टिस कीजिए, ताक ढेंचा खूब लगाइए और जैसे ही जब अगला सीजन का जब ये फ्रूट पुडिंग का आने की संभावना होती उस समय आप कट करके बोर्ड पे डाल दीजिए।
ये बहुत फायदेमंद होता है, जमीन में शेद का बढ़ाने मात्रा में बढ़ाने में काम आता है। बारिश आती है उस समय जुलाई अगस्त में, तो आप हमेशा क्या कीजिए कि जितने जो मल्च डाला है प्लीज मल्च हटा दीजिए, क्योंकि अब तक जितना क्षार इकट्ठा हुआ है बारिश का अच्छा पानी मिलता है उससे वो क्षार का निचरा हो जाता है और फल छांटने के बाद जो माल जो आपका ये माल वगैरह जो आता है वो अच्छा आता है क्योंकि क्षार का कोई त्रास नहीं होता उससे। 120 दिन के बाद अगर आपके पास पानी कम है तो पानी मत दीजिए, इनफैक्ट 20-25 दिन में एक अगली छांटनी ले लीजिए और वहां पर फिर पानी का इस्तेमाल कीजिए, कोई बहुत परेशानी नहीं होने वाली है। समप करने के लिए हमेशा ध्यान रखिए, खरड़ छांटनी में फ्रूट फुलनेस का अगर इश्यू बनता है तो किस कारण से होता है, हार्वेस्टिंग करने के बाद जो आपका रेस्ट पीरियड है उसमें आपको थोड़ा पानी देते रहना चाहिए, थोड़ा आपको अंद्रव्य देते रहना चाहिए ताकि केन के रिजल्ट बढ़े और फिर आगे परेशानी ना। दूसरा, माटी और पानी के तपासने नहीं कराएंगे तो आपको सही ढंग से मालूम चलेगा कितना चुनखड़ है, कितना सोडियम के इश्यूज है, कितने क्षार है, आप उसका सही ढंग से न्यूज़न नहीं कर पाएंगे तो इसका असर आएगा आपका फ्रूटफुलनेस में। लेट अगर आप छांटनी करते हैं मई वही में जाते हैं और जून वगैरह से क्लाउडी वातावरण चालू, ढगाल वातावरण चालू होता है, बारिश चालू होता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको घर निर्मिति में इश्यूज बन सकते हैं। ज्यादा पानी देंगे विगर बढ़ेगा, विगर बढ़ेगा तो आप सही ढंग से आप घर में ये स्ट्रेस दे नहीं पाएंगे आगे चल के। भारी जमीन है तो हमेशा घर निर्मिति से एक 4-5 दिन पहले ही आप स्ट्रेस देना शुरू कर दीजिए। हमेशा ध्यान रखिए घर निर्मिति के टाइम पे आपको मॉइस्चर स्ट्रेस देना, पानी कम करना आवश्यक है। वार्ड अगर बहुत तेज भाग रहा है नत्र बंद कीजिए, और अगर वो भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो उसके बाद सीधा पानी कम करना करना शुरू कर दीजिए, कंट्रोल में नहीं आ रहा पानी बंद कर दीजिए। वार्ड कंट्रोल करना है सबके उनका इस्तेमाल कीजिए और लेट सीजन पोटेशियम डेफिशिएंसी से आप बचिए। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना पेशेंटली आपने सुना, थैंक यू।